नमस्कार किसान भाइयों, एक एकड़ से 1350 कुंटल की पैदावार हमारे किसान भाई सांगली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर ले रहे हैं। एक एकड़ से 1350 कुंटल आपको लाइव दिखाएंगे, आज सामने दिखाएंगे। सबसे पहले छोटा सा हमारे किसान भाइयों को अपना इंट्रोडक्शन कराइए। मेरा नाम निहाल जगताप है, मैं सांगली से हूँ, महाराष्ट्र राज्य से। तो सबसे पहले यही बात करेंगे कि आपने सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन एक एकड़ से कितनी ली है जी? हमारा यहाँ का सबसे हाईएस्ट है 136 टन। अच्छा, एकड़ में यानी कि 1360 क्विंटल क्विंटल जी। तो 136 टन यानी कि 1360 क्विंटल। तो सब अब बात करेंगे, इनके पास यहाँ का सबसे एडवांस सिस्टम भी लगा हुआ है जो कि गन्ने के अंदर इन्होंने लगा रखा, सबसे एडवांस सिस्टम महाराष्ट्र का हम कह सकते हैं उसको, या इंडिया में हमने तो अभी तक कहीं सुना नहीं है, ना ही देखा इनके पास, पहली बार देखा है। और आपको आज वीडियो के अंदर भी दोस्तों दिखाएंगे पूरा का पूरा सिस्टम। तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि आपने सबसे पहले वैरायटी का चयन कौन सी का किया है जो ये आपने इतनी प्रोडक्शन उससे ली है जी? हमारे वैरायटी का नाम है कोयम्बतूर, को बोलते हैं KO 86032। हाँ, कोयम्बतूर की 86032 काफी महाराष्ट्र में नामी वैरायटी है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी उसी वैरायटी में दी है इंडिया के अंदर हम कह सकते हैं। और इसके बाद जैसे हमारे किसान भाई बहुत से तो हमारे इधर भाई 28 इंच पे भी लगा रहे हैं, 42 पे भी लगा रहे हैं, 56 इंच पे भी लगा रहे हैं, तो आप जो है ये बेड से बेड की दूरी और गन्ने से गन्ने की दूरी वो कितनी रखते हैं जी? ये तो हमारा 6x2 है। अच्छा, तो मतलब आप इंच में बोलोगे तो ऐसा 72 इंच है। हाँ। और ऐसा 2 इंच है। हाँ। 24 इंच, दो फिट है, 48 इंच हो गया ना। तो इसमें 6x2 पे आपने लगा रखा है। तो आप जो है मतलब पौधे का पौधा लगाते हैं या बर्ड्स लगाते हैं? दो बर्ड्स का लगाते हैं। नहीं, हम पौधा लगाते हैं, नर्सरी लगाते हैं। तो नर्सरी अपनी तैयार करते हैं हर साल? नर्सरी लाते नहीं, अभी तक हमने तैयार नहीं की, हम बाहर से ही लाते हैं। अच्छा। हमारे एक दो अच्छे ट्रस्टेड एक दो वेंडर्स हैं नर्सरी। अच्छा, के तो अच्छा। उनसे हम लेते तो हैं। पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमने एक चीज देखी है कि भाई सभी जगह थोड़ा थोड़ा हमें 10-10-15 किलोमीटर के अंदर नर्सरी बनी हुई है, तो वो सब वहां से ही परचेजिंग करते हैं। तो ऐसा क्यों है कि वो नर्सरी का गन्ना लगाने से हमें क्या लाभ मिलता है हमारे किसान भाइयों को? जी, नर्सरी में कैसा होता है, मॉर्टेलिटी नहीं होती ज़्यादा। अगर हम बर्ड्स लगाए तो ये बर्ड्स उगेगा नहीं उगेगा वो 10-12 दिन के बाद ही पता चलता है। अच्छा। फिर हमने अपने को गैप फिलिंग करना पड़ता है, उसमें ज़्यादा टाइम जाता है। अगर आप प्लांट लगाओगे, नर्सरी लगाओगे, तो आपका डिस्टेंस भी अच्छे से रहेगा और आपका मॉर्टेलिटी भी कम रहेगा। तो जैसे कि हमने जो बेड मतलब नर्सरी लगा दी जी, तो उसके बाद वो फिर खराब नहीं होता उसका पेड़ जैसे? उसको हम 2 दिन के बाद ड्रेंचिंग करते हैं तो उसकी मूलियाँ चालू हो जाती है। अच्छा, तो वो मरती नहीं, कोई भी पौधा मरता नहीं। अच्छा, कोई भी पौधा मरेगा नहीं जी। तो जैसे कि आपने उसकी बीच में गैप रखा, 2 फीट का लगभग गैप रखते जी, हैं जी, बीच दो प्लांट में 2 फीट का, मतलब एक प्लांट से प्लांट की दूरी जो है, प्लांट के प्लांट की 2 फीट की दूरी है। तो एक प्लांट से आप कितनी जो बर्ड्स ले सकते हैं, कितने गन्ने एक प्लांट के अंदर आप? हम क्या करते हैं, इसमें शुगर में एक कैलकुलेशन होता है, गणित होता है। 6x2 लगाया। अच्छा, तो हम एक प्लांट में 12 गन्ने लेते हैं, कम से कम 12 ले, 6×12। अगर ज्यादा आते हैं तो? ज्यादा आते हैं तो काट लेते हैं उसको, और कम रहते हैं तो फिर उसको बढ़ाते किस तरीके से हैं? उसको थोड़ा हम फास्फोरस की मात्रा बढ़ा देते हैं या फिर थोड़ा सा फर्टिकेशन में चेंज करवा के हम वो बढ़ाते हैं। कुछ दवाइयां जैसे आती हैं बायर वगैरह की, इथर वगैरह जो आती है, एक ट्रेडिशनल रूट है इसका जो एक मदर शूट रहता है। अच्छा, प्लांट का उसको हम काटते हैं, तो मदर शूट काटने के बाद सबको ज्यादा एक जैसा न्यूट्रिशन मिलता है। अच्छा, तो उससे और भी आपके तो पैदावार। ये मैंने कई बार मैंने दोस्तों वीडियो इधर की देखी है कि मदर शूट काटते हैं किसान, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है, लेकिन वो मदर शूट हमें कब काटनी चाहिए हमारे किसान भाइयों को, कि कितने दिनों बाद काटनी चाहिए? 50-60 दिन के बाद आप निकाल सकते हैं। आपका जो 60 दिन के बाद जो पहला उसको भरनी आता है, उसको हम बाढ़ भर कहते हैं। अच्छा, तो उसी दौरान आप निकाल सकते हैं मदर शूट उसी टाइम पे निकाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो खेत खड़ा हुआ है इसके अंदर हम जा नहीं सकते, इतना घिन का इसके अंदर गन्ना हो चुका है। और ये आप जो प्रोडक्शन आपने मुझे बताई है भाई 1360 क्विंटल प्रति एकड़ लगभग हो गई, तो वो कितने महीने में आप लेते हो जी? गन्ने का आप साल में कभी भी आप लगा सकते हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड 3 आपका मंथ है, एक आम बोलते हैं अड़साली मराठी में, अड़साली मतलब आप जून से अगस्त तक लगा सकते हो। अच्छा। जून जुलाई अगस्त, ठीक है। जो हमने 136 टन निकाला वो हमारा जुलाई का था। अच्छा, वो जुलाई का प्लांटेशन था, तो वो जुलाई से अगले
अक्टूबर नवंबर तक, मतलब ये 17 महीने रहता है, 17 महीने रहता है, 16-17 महीने प्रोडक्शन हमारी आएगी। और जो आप ये देख रहे हैं गन्ना, इसकी हाइट आपको लग रही होगी बहुत कम है, लेकिन इसके अंदर 27-28 नोड हैं और 30 नोड भी इसके अंदर हैं। तो हमने गन्ना तोड़ा भी अंदर से, लेकिन ये पूरा नहीं टूट पाया, आप देख सकते हैं नीचे की रूट अभी बहुत सारी रह गई हैं। इसके अंदर भी 27 रूट अभी भी उपलब्ध हैं इसके अंदर, ये जो नोड बोल सकते हैं हम, इसकी जो आँखें हैं, और इसकी हाइट आप देख सकते हैं काफ़ी हाइट है। तो यहाँ पर गन्ने की बंधाई नहीं होती है किसान भाइयों, अपने एरिया के अंदर बंधाई होती है इसकी, जो मिट्टी की बंधाई होती है। हाँ, नहीं मिट्टी की नहीं, हमारे इधर जो गन्ने की बंधाई करते हैं, गन्ने की बंधाई नहीं करते हम। और ये मान के चलो जैसे मैं जितना मैं हूँ, या 6-7 फीट का गन्ना हो गया, तो उसको बांधना शुरू कर देते हैं, नहीं वो लंबाई लंबाई बढ़ती चली जाती है हमारे इधर। वो अगर नहीं किए तो अच्छा है, क्योंकि अगर जितना भी ये गिरेगा तो उससे उसका वेट बढ़ेगा, टनेज बढ़ेगा, फिर से वो सनलाइट के आगे भागेगा, फिर वो उसके नोट्स भागेंगे। तो मतलब हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, जितना गन्ना गिरेगा उतना किसान उठेगा, तो ये सब जगह ही कहावत है भाई, गन्ना जहाँ इतना गिरेगा उतना ही किसान उठेगा। तो बड़ी अच्छी आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, और जो इन्होंने सिस्टम लगाया है उस सिस्टम को भी आपको दिखाते हैं। जैसे हमारे फार्मर हैं, हमने बिजाई करी तो हमने उसके अंदर DAP MOP और यूरिया, तीनों चीज हमने जमीन के अंदर डाल दी, डाल के हमने उसके ऊपर गन्ना रखा, हम जो 3 बर्ड का गन्ना यूज करते हैं, फिर उसको बंद कर दिया। उसके बाद हम उसमें सिर्फ 2 टाइम पे यूरिया देते हैं बस। हाँ, तो हमने ये मतलब सारी एकदम से उसमें लगाई, तो ये क्या सही है या इसका कुछ तरीका अलग होना चाहिए? नहीं, ये गलत है। अगर आप समझो 6 महीने के बच्चे हो जी, और आपको 16 साल के बच्चे को जितना खाना खाते हैं उतना दिया, तो आपको ये हजम होगा क्या? नहीं, नहीं। तो ऐसा ही है गन्ने का, जितना उसका एज है उसके हिसाब से आप उसको खाना खिलाओगे तो वो वैसे ही बढ़ेगा, और जैसे जैसे वो बढ़ेगा वैसे वैसे आप उसका खाना बढ़ाओगे तो वैसे आपको ये नोट्स अच्छे मिलेंगे, ये ताकतवर हो जाएगा। जैसे आप बड़े होके मसल बिल्ड करते हो, जैसे इसका मसल बिल्ड होगा, वेट बढ़ेगा। तो एक पानी देने का तरीका भी है हमारे किसान भाइयों को, भाई यहाँ पर तो इनके पास ड्रिप है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने 6x2 पे डबल ड्रिप लगाया है दो साइड से। तो डबल ड्रिप और सिंगल ड्रिप दोनों का फायदा और बताइए। हाँ, डबल ड्रिप में क्या होता है, डबल ड्रिप बीच में होता है और वहाँ से रूट जोन दूर होता है। हाँ, ठीक है। तो रूट तक फर्टिलाइजर पानी पहुँचने के लिए टाइम लगता है, और डबल ड्रिप से क्या होता है, दोनों जगह पे रूट डेवलप होते हैं और अपना जो प्लांट है वो सशक्त और बड़ा तैयार होता है, और गिरता है और बड़ा होके गिरता है, बड़ा होके गिरेगा। हाँ, और जो भी गिरता है ना वो ऐसे मूली से नहीं निकल के गिरता, बस खाली ऐसे बेंड होता है। अच्छा, ऐसी खाली दोनों साइड से रूट होंगे, तो अगर एक साइड से रूट होंगे अगर गिरेगा तो ऐसे पूरा ऊपर से नीचे निकलेगा। जैसे आपके यहाँ तो पानी की कमी है, ड्रिप लगा रखी है, जी। तो हमारे यहाँ किसान नहीं ड्रिप लगाना चाहते, पानी की कमी नहीं है, पानी बहुत ऊपर है, अगर हम रात को पानी चलाते तो पूरा खेत सुबह भरे मिलता है जी। तो उसमें क्या ध्यान रखें हमारे किसान भाई कि कितना पानी चलाएं, थोड़ा वो सॉइल देख के या कुछ? हाँ, आपके सॉइल के हिसाब से आप पानी लगाओ, ज्यादा पानी की कुछ आवश्यकता नहीं है, उसको जितना चाहिए उतना ही पानी दे दो। मतलब जो गन्ना थोड़ा लगे कि डाउन हो रहा है, सूख रहा है, पानी मांग रहा है, जब ही पानी दे। हाँ, जब भी आपको पानी जमीन बोले कि पानी दो, आपको किसान हो तो उसको मालूम होता है कि जमीन में पानी कब देना है, तो उसी दाम आप पानी दे दो। बिल्कुल। तो चलते हैं इनकी जो उन्होंने ड्रिप लगा रखी है इधर की तरफ, दिखाएंगे सबसे पहले। ये इनका पूरा पौंड है, देख सकते हो कि यहाँ किस तरीके से पौंड ये बनाए जाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा इसमें पैसा लगता है। तो ये आपने जो ये करना, मतलब पानी ये पौंड में कहाँ से आ रहा है आपका, जरा थोड़ा सा? यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक नदी है, तो उसमें भी पानी नहीं है। अच्छा। एक्चुअली ये इधर एक सरकारी स्कीम है टेम्बू ताकारी करके, तो वो इरिगेशन स्कीम डैम से जो कैनाल बनाया है उसके थ्रू ये पानी आता है नदी में। अच्छा। और वो स्टोर होता है, उसके भी आगे बंदारे वगैरह सब बनाए हैं, तो हर गांव गांव में एक बंदारा करके वो पानी वहाँ पे रुकाया है जी, जी। तो वहाँ से लोग उठाते हैं हर लोग। तो यहाँ से करीबन कितने किलोमीटर? एक 3 किलोमीटर होगा आराम से, करीब। तो वहाँ से हमने पाइपलाइन किया है। अच्छा। तो बहुत से किसान लोग क्या करते हैं, 3-4 लोगों में मिल के पाइपलाइन बनाते हैं, तो खर्चा कम होता है। तो उसमें से पाइप वहाँ से कितना इंची का पाइप? 5 इंच का पाइप लगाया है उधर। अच्छा, उधर से 5 इंच का पाइप लगा के आप जो है मतलब वहाँ से पानी आ रहा है और आपके इस पौंड में हम इधर स्टोर करते हैं। तो कितने एकड़ में आपका ये पौंड है लगभग? ये 1.5 एकड़ में है।
और इसमें जो मोटर डली हुई है वो कितनी है? इसमें 1 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी स्टोर होता है। अच्छा, 1 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी। और 12 HP के 3 मोटर है। अच्छा, ये टोटल यहाँ का जो प्लॉट है उसको इरिगेशन के लिए। अच्छा, मतलब 12 HP की 3 मोटर आपने लगाई है जी। तो मतलब गन्ने के अंदर अलग अलग वो जाता है पानी उसके अंदर? मतलब गन्ने में अलग है, जैसे आपका अदरक लगाया हुआ है तो हाँ, गन्ने का स्पेसिंग अलग है तो उसका पानी का प्रोग्राम अलग। गन्ने का 6 फीट है, अदरक का 4.5 फीट है, पपाया का 9 फीट है, तो वो स्पेसिंग के हिसाब से उसका पानी का प्रेशर, पानी का रिक्वायरमेंट, क्रॉप के हिसाब से वो सब आपने अलग 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 दिया मैनेजमेंट किया है। तो चलते हैं, सबसे पहले उधर ही आपको एक बार दिखाते हैं। तो किसान भाइयों, ये अंदर का पूरा सिस्टम है, इतना बड़ा सिस्टम आपने कभी नहीं देखा होगा, सब कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम है इनका भैया का। तो एक बार थोड़ा सा इनके बारे में बताइए। आपने अभी जो बाहर पॉन्ड दिखा, वो पॉन्ड से हम मोटर से पानी अंदर लेते हैं, और जो 3 सैंड फिल्टर आपके जो सामने दिख रहे हैं, अच्छा, उससे हम पानी फिल्टर करते हैं, ठीक है, और जो पानी आगे जाता है फिल्टर होने के बाद वो आगे जाएगा। अच्छा, हाँ, और आगे हमने 8 प्लॉट बनाए हैं, 5-5 एकड़ के 8 प्लॉट बनाए, तो इसके लिए अलग से हर एक प्लॉट को यहाँ से पाइप भेजा है। अच्छा, तो वहाँ पे क्या होता है, ये प्लॉट का प्रोग्राम खत्म होने के बाद ये प्लॉट चालू होता है, ऐसे अलग अलग प्लॉट के अलग अलग प्रोग्राम है हर घंटे वो बना। हाँ, पर घंटे मतलब जितना उसको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमने ये कंट्रोलर में प्रोग्राम डाले हैं 1 महीने का। अच्छा, हर महीने हम इसको अपडेट करते हैं, इसको अपडेट करते हैं हम हमारे इधर के लाइट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे 8 घंटा लाइट मिलता है 24 घंटे में, तो उसमें भी 3 दिन सुबह आता है, 3 दिन रात को आता है। अच्छा, तो इसके लिए हमने ये ऑटोमेशन सिस्टम बनाया है। तो पूरा नेट एफएम का ऑटोमेटिक सिस्टम जी, है जी। तो फिर ये खाद पानी किस तरीके से चलाता है? इसमें आपके पीछे जो दिख रहा है उसमें 4 टंकी है। हाँ। इसमें एन है, इसमें पी है, इसमें के है, और इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट या फिर आप अलग पेस्टिसाइड वगैरह कुछ एक्स्ट्रा से डालने हैं तो उसमें 4th टंकी है। अच्छा अच्छा, तो ये आपके फर्टिगेशन टैंक हम 10 दिन में एक बार रिफिल करते हैं। अच्छा, 10 दिन में 1000 लीटर का है। हाँ। हम रोज हर रोज का 100 लीटर का प्रोग्राम आता है। अच्छा, तो 10 दिन में खत्म होता है, हर 10 दिन में फिल्टर करते हैं, रिफिल करते हैं। जैसे इंसान रोज खाना खाता है जी जी, वो सिस्टम इन्होंने यहाँ बनाया है कि जितनी हमें रोज की अगर 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम चाहिए तो वो ही उतना ही खाना है। चावल थोड़ा चाहिए तो वो चावल भी मिल रहा है, साथ में अचार, नमक, मिर्च, मसाले, लक्कर भी मिल रहे हैं, तो वो सारी चीजें जो होती है वो सारा इन्होंने सिस्टम ये पूरा एक इजराइल की टेक्नोलॉजी के द्वारा कर रहे हैं। और इतना बड़ा सिस्टम हमने नहीं देखा अब तक भी कि ऑटोमेटिक सब चीजें चलती हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह जो भी कुछ है सब कुछ अपना आप ये मशीन देखती है, ऑटोमेटिक चलती है। जो कुछ एक्स्ट्रा डालना है उसके पीछे एक और टैंक है, उसमें डाल दो, वो भी हम उसको प्रोग्राम दे सकते हैं, दे सकते हैं उस समय के हिसाब से जी, हमें उस समय पर क्या रिक्वायरमेंट क्रॉप की क्या है उस हिसाब से हम एक्स्ट्रा डोज वहां से देते हैं। और जो इसके ऊपर छिड़काव कीटों की बात करें तो इसमें रोग कितने हैं गन्ने के अंदर? ये बात गन्ने के अंदर ज्यादा रोग नहीं है, 86032 में वो ज्यादा रोग प्रतिकारक है, 86032। हम उसको रूटीन एक 4 स्प्रे लेते हैं 20-20 दिन में, सिर्फ पहले 4 महीने में। तो अच्छा, वो जब छोटा था जब ही ली हो? हाँ, तब उसके पत्ती के साइज बढ़ाने के लिए। अच्छा अच्छा, फिर 2-3 ब्रेंचिंग लेते हैं उसके स्प्राउटिंग अच्छे से होने के लिए, फिर 1-2 स्प्रेइंग लेते हैं, एक रेगुलर है GA के 6BA के। अच्छा, उसकी ग्रोथ थोड़ी सी फास्ट होने के लिए। अच्छा, हाँ, उसको लेकिन ज्यादा ऐसा ही नहीं है कि हाँ PGR वगैरह सब देते हैं पहले 4 महीने में, फिर उसके बाद 2 बार उसकी बंदाई होगी मिट्टी की, तो फिर उसके आगे रेगुलर फर्टिगेशन ही होता है बस। तो मिट्टी चढ़ाने से भी लाभ मिलता है, वो जो मिट्टी डालते हैं उसके ऊपर जी जी जी, उससे भी गन्ने को बड़ा लाभ मिलता है। उसका रोट में कर रहे हैं, जानते ही हमारे किसान भाई भी, ये मिट्टी चढ़ाने से बड़ा लाभ मिलता है। और आपने इतना सारा सिस्टम ये दिखाया हमारे किसान भाइयों के लिए, इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आपने लास्ट तक वीडियो देखी, पूरी जानकारी हमने आपके लिए लेने की कोशिश करी है, और जो कुछ आप रह गया हो कमेंट कर सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताना।